अस्सलामु अलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है, चैप्टर 22 इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉब्लम 15। हमें फिक दी गई है 22.42, जिसमें तीन पार्टिकल फिक्स किए गए हैं। Q1 और Q2 का चार्ज आइडेंटिकल है, Q3 का चार्ज 2E है। A दूरी हमें दी गई है 6 माइक्रोमीटर में। हमसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की मांगी जा रही है। तो अगर मैं इस फिक के थोड़ा सा चार्जेस प्लेस कर दूं तो आप देख सकते हैं 1 और 2 के चार्ज आइडेंटिकल है, डिस्टेंस भी सिमेट्री बनता है। तो पी पॉइंट के साथ तो जितनी फील्ड इसकी यहाँ तक बनेगी उतनी फील्ड इसकी बनेगी, चूंकि आइडेंटिकल है तो एक दूसरे के अपोजिट आ जाएगी, तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देगी, कैंसिल कर देगी। इसका मतलब नेट फील्ड सिर्फ किसकी वजह से बनेगी, 3 की वजह से बनेगी। तो मैं सिर्फ 3 की वजह से फील्ड निकाल रहा हूँ। तो आपके पास यहाँ से इसकी दूरी अगर आप देखें तो ये आपके पास ए बाई स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। दोनों के Q3 का चार्ज भी मुझे पता है, तो इस सारी वैल्यूज को प्लेस करेंगे तो 160 न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। और ये चूंकि एक ट्राइंगल सी शेप हमें बना के दिखाई गई थी, तो ये अगर 90 है तो ये 45 होगा, ये 45 होगा, तो ये 45 डिग्री होगा क्लॉकवाइज फ्रॉम दी एक्स एक्सिस। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।